गाड़ी अपने को ये रखनी है हमेशा। ये अपने जो अपने को देख रहे हैं ना लोग, इनका भी बहुत एक इमोशंस ने जुड़ से गए हैं अपनी सेल्टोस से। सर्विस ना भैया काफी मेजर भी होने वाली है, काम के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी। लगभग इजीली 40,000 रुपए का बिल अपना आना डन है बहुत ही जल्दी। स्विफ्ट ऑटोमेटिक पेट्रोल अपना जो है ना, उसका एवरेज टेस्ट वाला वीडियो भी आने वाला है। अभी मैं हूं जयपुर आगरा हाईवे पे और अभी अपनी चल रही है सर्विस से पहले वाला टेस्ट राइड। अभी फिलहाल के लिए ना सेल्टोस कुछ समय से मैं रेगुलरली चला नहीं रहा था, सो वही एक रीजन रहता है क्योंकि सर्विस की जिम्मेदारी अगर आपके कंधे पे है और उस गाड़ी को या फिर कार को आप लोग नहीं चला रहे ना, तो एक बार मैं ये चीज आपको भी रिकमेंड करूंगा, अच्छा खासा एक 5-7-10 किलोमीटर की टेस्ट राइड लेकर के देख लो, ताकि आप लोगों को गाड़ी के बारे में सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। और इसका फायदा मुझे क्या हुआ, फर्स्ट गियर ना अपनी सेल्टोस में, अभी मुझे थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि सर्विस अपनी थोड़ी सी ज्यादा ओवरड्यू हो चुकी है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यार आज होने वाला है अपनी सेल्टोस की 14 सर्विस, 14 सर्विस 3 साल में। अभी सितंबर में ही अपने को 3 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग आज की डेट पे है 134,320 किलोमीटर। सो ये है, अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो भैया मैं हूँ जयपुर से, मेरे पास है किया सेल्टोस डीजल HTX मैनुअल। सो सर्विस के वीडियो 10,000 किलोमीटर वाला भी और आज तक का भी, ये भी आप लोग देख रहे हो, सारे कुछ अपलोडेड है। एक किया सेल्टोस नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है अपने चैनल पे, तो सारा कुछ आप लोग देख सकते हो अगर इन फ्यूचर सेल्टोस लेने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर सेल्टोस आप ऑलरेडी ओन करते हो। एक और जरूरी चीज, गाड़ी की सर्विस अभी करवा के अपन लोग गाड़ी लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि गाड़ी को मुझे देना है इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपका फ्रंट विंडस्क्रीन के लिए। ये जो क्रैक है ना, ये भैया बढ़ता जा रहा है। ये था इसका एंड पॉइंट जब ये स्टार्ट में हुआ था। ये हुआ कैसे था, हाईवेज पे जो ग्रेवल वगैरह उड़ते रहते हैं आपको पता ही, अपनी गाड़ी हाईवे पे ही ज्यादा चलती है। सो ये यहाँ था, अब ये टाइम के साथ ये देख सकते हो कहाँ तक जा चुका है। और इसका मेन रीजन ना, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसका मेन रीजन हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, हाईवे पे रात के टाइम स्पेशली एक लाइट का रिफ्लेक्शन बड़ा गंदा आ रहा है ना इसमें, तो चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो वही रीजन है, अभी गाड़ी थोड़े दिन के लिए फ्री है, कल मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली चलेंगे अपन लोग अपनी स्विफ्ट में। सो जाते हुए मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा वीडियो शूट हो जाए, राइड इंप्रेशन आफ्टर 30,000 किलोमीटर स्विफ्ट ऑटोमेटिक। सो वो वीडियो भी जरूर से देखना, सब्सक्राइब कर लेना अभी से। वीडियो ये वाला आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और पूरा प्रोसेस चलेगा, एंड में बिल मिलेगा। और हाँ एक चीज और, जो ये इंश्योरेंस क्लेम वाला प्रोसेस है ना, इसके बारे में भी सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के लिए कल आने वाला है अपने चैनल पे। सो अभी से ही लाइक भी जरूर से छोड़ देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से कर देना है। और अब चलते हैं भैया सीधा शोरूम, क्योंकि 3 बजने वाले हैं ऑलरेडी। सो चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया इंट्रो में। पहले अपन लोग गाड़ी दे रहे हैं क्लेम के लिए, क्योंकि सर्विस का टाइम ज़्यादा ओवरड्यू हो चुका है, 3:30 बज रहे हैं अभी ना, सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और कल का चक्कर लगता तो पहले मैं क्लेम के लिए दे रहा हूँ, और वो वीडियो ऑलरेडी अपना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि क्लेम प्रोसेस वाला। सो क्लेम हो जाएगा फिर अपनी सर्विस की सारी कुछ डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल ही रही है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बस क्लेम पहले ले रहे हैं, बट वीडियो ये सर्विस वाला पहले आएगा। 2000 years later. आज आ चुका हूँ मैं फाइनली अपनी सेल्टोस की सर्विस के लिए। 5 दिन के बाद सेल्टोस को घर ले जाने का टाइम हो चुका है। सो गाड़ी इन्होंने वॉश कर दी है, और ये देख सकते हो जो अपना नया विंडस्क्रीन था ना, ये भी लग चुका है, कोई भी स्टिकर भी नहीं है ना ही फास्ट टैग है, तो ये सब कुछ अपने को दोबारा से लगवाना रहेगा। अब पहला काम है गाड़ी का, एक अपने को जॉब कार्ड बनवाना है, क्या कुछ इस सर्विस पे काम होने वाला है, फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी वैसे भी ना थोड़ा सा जो सर्विस वाला एरिया है वो बिजी है, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, बट वॉश तो अपनी हो ही चुकी है, तो कोई इतना ज़्यादा मेजर टाइम लगने वाला नहीं है। सो अब आप लोगों को मैं मिलता हूँ, सीधा एक बार जॉब कार्ड अपन लोग बनवा लेते हैं, फिर सारा प्रोसेस और एंड में बिल। गाड़ी आ चुकी है अपनी बे पे और स्टार्ट होने लगा है प्रोसेस, तो पहले क्या कर रहे हैं अपन, पहले एयर फिल्टर क्लीनिंग नहीं है तो चेंज ही होएगा, वही खराब ही होगा। असेंबली होती है। अच्छा असेंबली क्लीन कर रहे हो जी सर। और ये रहा अपना फिल्टर, ये तो चौक ही रहता है हर सर्विस, यहाँ से कट भी सा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो चेंज ही होगा ना, ये चेंज होगा, ये तो लो चेंज कर दो। और क्लीनिंग अपनी हो चुकी है, क्योंकि वॉशिंग पहले हो चुकी थी, सो इंजन बे भी अपना क्लीन हो चुका है। और इस कवर के नीचे ना देखो, ये वाला पूरा तामझाम रहता है, तो ये कवर अपना बाहर आ चुका है, और इसका पीछे का ये इस टाइप से रहता है, प्रॉपर पैडिंग के साथ ये आता है। अब क्लीन होगा अपना ऑटो सेंसर,
सो ऑक्सीजन सेंटर जो रहता है ना, सेंसर सॉरी, वो वाला अब ये क्लीन होगा अपना। ये रहा, यहाँ पे इसकी प्लेसिंग रहती है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तुम्हारा नाम तो बता दो। मेरा नाम अजहर। तो अजहर भाई आज सर्विस कर रहे हैं अपनी, गई सर्विस करी थी अनिल जी ने, पर अनिल जी आज ना थोड़े से बिजी हैं। सो ये होता है, दिखाना। ओहो हो यार, ये चेंज कब होता है? ये चेंज नहीं होता, ये क्लीन ही होता है हर बार, हर बार, कभी भी अगर इसमें प्रॉब्लम आई है या अंदर से शॉर्ट हो जाता है तो ये। अच्छा, तो वो वार्निंग लाइट MID में आ जाएगी। ओहो, क्लीन के बाद वापस से अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। ये हो गया टाइट। अगला प्रोसेस ऑयल फिल्टर। आज जल्दी फ्री कर दोगे तुम मेरे को लग रहा है, क्योंकि वॉश तो हो ही गई। अरे वॉश तो हो ही गई। अगला रहेगा अपना ऑयल फिल्टर, फिर उसके बाद ऑयल चेंज, बस फिर तो क्या ही बचेगा, एक कूलेंट और ब्रेक ऑयल का चेक कर लेना लेवल ना। सो ये रहा सारा ये अपना जो कूलेंट वगैरह का सेटअप, ये भी अभी एक बार लेवल चेक करवा लेते हैं अपन। अब ओपन हो रहा है अपना ऑयल फिल्टर, कवर आ गया। कवर ओपन हुआ था ऑटो सेंसर के लिए, क्योंकि उसकी प्लेसिंग उसके अंदर रहती है ताकि पानी से वो चीज़ अपनी प्रोटेक्टेड रहे। और अब गाड़ी जा रही है हवा में। स्टेयरिंग रैक का काम आ चुका है भैया अपना, और यहाँ पे ये टायर में प्ले आ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग में हमें इशू आ रहा है अभी ना। ब्रेकिंग का डिस्क वगैरह, पर इसके बाद ही तुम चला के देखना, देखो समझ में आएगा। आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी कि क्या प्रॉब्लम हमें ना एग्जैक्टली इसमें फील हो रही है इस वजह से। टायर अपने ना चारों निकल चुके हैं, यानी कि बाहर आ चुके हैं, और अभी क्या होने वाला है, एक्स शेप में टायर्स भी अपने चेंज होंगे, यानी कि वहाँ का पीछे का यहाँ आगे आ जाएगा और ये आगे वाला इस साइड अपने पीछे जाएगा, और वॉल चेंज अपन लोग करवा ही लेंगे, जिससे कि टायर की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और 5 दिन से गाड़ी खड़ी है, इस वजह से ये देखो रस्टिंग भी यहाँ पे थोड़ी बहुत आ चुकी है, बट कोई डरने वाली बात ना, इसके साथ अपनी होती नहीं है। टायर की कंडीशन एक और बार यहाँ से आप लोग देख सकते हो, तो वॉल चेंज होगी, उसका रीज़न क्या रहता है, जैसे कि टायर आपका इवनली वॉर आउट हो या फिर एक अपना जो प्रॉपर जो है ना यूज़ इसका आए, एक स्लोप में ये चीज़ ना यूज़ हो, उसके लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे कि टायर की लाइफ भी अच्छी हो जाती है। वही रीज़न है जो इससे पहले वाला मेरा टायर का सेट था ना, वो मैंने 1,00,000 किलोमीटर चलाया था। टायर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सो ये वाला साइड चल जाएगा अंदर, अंदर वाला साइड आ जाता है ऊपर। सो वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से मैं ना लेके आने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और टायर की ग्रेडिंग 215/60R17 गुडियर एश्योरेंस, जो कि मैंने रिपीट किया था, ये वाला टायर ना पहले भी यही था, रिपीट भी यही चीज़ हुई थी। अब होने वाला है अपना ऑयल ड्रेन, जो कि पुराना वाला ऑयल है वो ड्रेन होगा। यहाँ से कुछ इसका सेटअप सारा रहता है कवरिंग के नीचे से। इसकी तो यार हालत आज तो बहुत ही बुरी निकलेगी। हाँ जी, ज़्यादा चल गई है। हाँ, और अंडर बॉडी भी ना साफ दिख रही है मुझे। अंडर बॉडी वाला चालू है ना अपना, वो वॉशिंग वाला। हाँ। सो ये रहा ऑयल, फुल एकदम ना डार्क ब्लैक। फ्रंट बम्पर का जो लिप है ना, ये देख सकते हो आप कितना अपना डैमेज रहता है। इसका रीज़न देखना जो अपना स्विफ्ट का एवरेस्ट वाला वीडियो आएगा ना, जिन रोड्स पे ये गाड़ी चलती है ना, दिल्ली जयपुर वाला हमारा मेन रूट रहता है, वो रीज़न रहता है, क्योंकि ख़राब रोड है बिल्कुल। और ये वाली चीज़ भी देखते चलो। हाँ हाँ, और ये रहा जिसमें भी बम्पर अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, उसके बाद है ये कंडीशन। तो ये रहा, ये रहा, जबकि ये स्क्रैच वाली जगह नहीं है, उसके बाद है ये। और ये तो पूरा ही ये ना टकराता ब्रस्ट एक पत्थरों से रहता ही है। स्विफ्ट वाला वीडियो देख लेना जो एवरेस्ट मैंने बनाया ना, उसमें तुम सही से आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों यही वाला पार्ट अपना डैमेज है। और ये चीज़ देखो कैलिपर्स पे हुंडई और किया दोनों का लोगो, काफ़ी सारे पार्ट्स पे भी देखना, पार्ट्स जैसे अपने नए आएंगे तब दिखाता हूँ। कैलिपर कवर पे भी, फ्रंट में भी और रियर में भी, ये रहा हुंडई और किया सब में मिलेगा। और हुंडई की गाड़ी में भी किया का लोगो मिलेगा, किया की गाड़ियों में भी हुंडई का लोगो मिलेगा, वन एंड द सेम थिंग। आज क्या कुछ अपना चेंज हो रहा है, ये रहा अपना इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये तीन चीज़ें ही है बस। एसी फिल्टर अभी खोल के हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, ज़्यादा यूज़ एसी का। हीटर आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा, अगर क्लीन की ज़रूरत हुई तो क्लीन कर देंगे, नहीं तो फिर उसे भी अपन चेंज कर देंगे। ये रहा एयर फिल्टर, किया इंडिया, हुंडई का लोगो दिखाना था ना तुम्हें, कहाँ है, नहीं नहीं अरे हुंडई का, किया को क्यों दिखाएं हम। हुंडई का लोगो कहाँ था यार, किस पे देखा था मैंने, डीजल फिल्टर पे आता है, सही है।
ये रहा, ये डीजल फिल्टर ही है ना भैया, ये दूसरी गाड़ी का है, ये डीजल फिल्टर है इसमें अंदर। अब ये खोलो ना, जब मेरे को दिखाना एक बार, या खोलना एक बार, क्या दिक्कत है? ये किसी दूसरी गाड़ी के पार्ट्स हैं, वही अपना सब एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और ये आपका एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, एसी फिल्टर। ये अपना लास्ट सर्विस पे चेंज हुआ था 1,20,000 किलोमीटर वाली पे, और ये रहा लो जी हुंडई किया मेड इन इंडिया, और ये अपना चेंज हुआ था 40,000 के डिफरेंस है ये चेंज होता है, उसको रख देते हैं वापस। ऑयल फिल्टर ये अपना ओपन हो चुका है, तो कुछ इस टाइप का ये है अपना न्यू वाला, अपना रिप्लेस होगा ऑयल फिल्टर, ओपन हो ही चुका था पहले, सो नया वाला भी आप लोगों ने अभी इससे पहले वाली क्लिप में देख लिया, ये जाएगा क्लीन होने, और ये रहा ऑयल फिल्टर अपना पुराना वाला फुल ऑफ कार्बन। चलो 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 दिखा दो बस एक बार। अरे यार, सो इस टाइप से ये जो रबर रिंग आती है ना, ये हर बॉक्स में नई आती है नए ऑयल फिल्टर के साथ, चेंज करना नेसेसरी है, ये चेंज करना नेसेसरी, नहीं तो लीकेज आ जाती होगी। जी जी, सो ये भाई ने लगा दिया पूरा, सो दैट्स इट, ये अपना न्यू ऑयल फिल्टर भी लग चुका है। अब यहाँ से रिलेटेड काम अपना सिर्फ ऑयल, नया ऑयल ही रहता है, ऑयल डालना है एक बार कूलेंट, और ये सारा जो रहता है ना ब्रेक ऑयल वगैरह, इसका लेवल चेक कर लेना, ये कूलेंट लेवल एकदम ओके है, कूलेंट लेवल तो ओके, एक बार अपना रिप्लेस हो चुका है ये। और ब्रेक ऑयल थोड़ा सा कम है, ब्रेक ऑयल कम है तो उसको टॉप अप कर देना, तो इसमें रहता है अपना ब्रेक ऑयल। ये आ गया अपना नया एयर फिल्टर, लगाते रहो लगाते रहो, ये तो क्लीन कर ही दिया था ना अपन ने, असेंबली एक बार दिखाना अलग हटाना, तो ये रहती है अपनी असेंबली जिसमें कि एयर फिल्टर आता है। अब लगा दो इसको एक बार, लगा के भी देखो, सो ये लग चुका है, और इस साइड से इसके ऊपर अपनी ये कवरिंग आ जाती है। ओके ऑल डन, डालो डालो, कितना लीटर ऑयल आता है इसमें? 4.8। 4.8 लीटर डीजल पेट्रोल दोनों में सेम? वही सेमी सिंथेटिक है। कब करेंगे यार ये सिंथेटिक रिकमेंड? ये पता नहीं है, क्या चक्कर है जो ऐसा अभी तक सिंथेटिक रिकमेंड नहीं हुआ? ये हर सर्विस में पूछता हूँ मैं, सारे व्यूवर्स को भी याद हो गया होगा कि ये वाला सवाल आना ही है ऑयल चेंज होते हुए। ऑयल तो अपना फिल हो चुका है, अगर लेवल देख लो आप लोग भी कि कैसे चेक करा जाता है ऑयल का लेवल, बताओ भाई। इसके दो लेवल होते हैं। अच्छा, ये फुल, ये लो। ओके, बीच में ये जो होल है ऊपर वाला फुल है, नीचे वाला लो है, सो ये अपना लगाओ एक बार। अब देखते हैं एक बार अपना ऑयल फिल होने के बाद, ये लगा दिया पूरा फिट करना है, और ये आ गया प्रॉपर एग्जैक्ट, हाँ यहाँ से सही है। अब एक बार कवर लगाने का भी तरीका देख लो, कुछ ऐसा है क्या इसमें सेटअप? अच्छा, ये वाले जो ये जो माउंट है ना, इसमें इनको फिट करना है, रबड़ है, और ये अपने जगह पे, बस ये लो जी ऑल डन। सो यहाँ से रिलेटेड अपना पूरा प्रोसेस हो चुका है ना, अब क्या रहेगा अगला? अब स्टार्ट करना है ऑयल दोबारा से एक पूरा मूवमेंट लाने के लिए, है ना, ब्रेक ऑयल का ध्यान रखना टॉप अप करने का, उसके बाद अपना काम होगा यहाँ से रिलेटेड। देखो फ्रंट कैलिपर पे भी ये राकिया और होंडा है, पीछे का आप लोगों ने देख लिया दोनों साथ साथ। सो ये रहे अपने आगे के ब्रेक पैड्स, जब कोई आगे वाले चेंज नहीं होने, आगे का मुझे पता है क्योंकि अभी रिसेंटली 1,00,000 पे चेंज हुए थे ये, 1,00,000 पे या फिर 90,000 वाली सर्विस पे चेंज हुए थे। सो अब भाई इसकी बढ़िया से क्लीनिंग कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा इसको रब करना है, हार्ड सरफेस हट जाएगी, और ब्रेकिंग भी इसको साफ करने से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब जैसे इसका कुछ हुआ नहीं है, और वो होने के बाद जो हार्ड सरफेस की हट रही है ना, वो देखते हैं। सो ये लो जी डिफरेंस दोनों में, अब इसकी भी कर दो क्लीनिंग इस टाइप से, इसको भी ये अपना सेट हो जाएगा। बाकी ये तो अभी तो ओके 50,000 नहीं तो ये 20,000 के समथिंग चले। अरे चला देंगे हम 50, तुम भी यही हो याद रखना भाई साहब, अभी तुम्हें भी दिखा देंगे यार, जब पहले 1,00,000 किलोमीटर चल ली है तो ये तो अभी 40,000 ही चले, चलाने का फर्क पड़ता है, चलाने का फर्क पड़ता है। और हमारी गाड़ी क्या ये वाली खास करके हाईवे पे ही चलती है, ब्रेकिंग कम होती है, तो ब्रेकिंग कम होती है, फिर अपन क्या वो अब वो वाली बात नहीं रही यार कि ना अनाप शनाप भगाओ और फिर हल्की सी टोरबाजी के लिए ब्रेकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव चल रहे हैं, क्योंकि खर्चा अपनी जेब से ही जाता है ना, तब मजा आता है, फिर वो वाली बात रहती है, इसलिए आप
सुकून आ चुका है गाड़ी चलाने में, और वही रीजन है 1-1 लाख किलोमीटर हम टायर चला रहे हैं और ब्रेक पैड्स चला रहे हैं। सो ये भी क्लीन हो चुका है ना, दूसरा वाला भी, और ये लो फुल पावर। अब फ्रंट वाले तो आप लोगों ने देख लिए, अननेसेसरी अपन वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। सो फ्रंट वाले तो ये रहे अपने दोनों क्लीन हो चुके हैं, अननेसेसरी वीडियो को अपन बड़ा नहीं करेंगे। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक बार दोनों रियर वाले की कंडीशन के वो कब चेंज होने हैं। ये भाई ने ओहो कैलिपर भी और सारा कुछ क्लीनिंग यहाँ की भी कर दी है, वायर भरपूरी मिट्टी निकली है अभी। ये रे भाई अपने पीछे के ब्रेक पैड्स, क्या है कंडीशन? ये एक साइड बिल्कुल वीक हो चुकी है, एक एक साइड के, बाहर वाली साइड के ना, तो ये बाहर वाली कमेंट हो, बाहर वाले है नए डल लगे, अंदर वाले ये तो सही दिख रहा है, ये सही है लेकिन दोनों का पैर एक साथ लगेगा। अच्छा ये है बाहर वाला? जी जी ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला है। तो ये अपना टॉप अप हो रहा है, ब्रेक ऑयल भी। अच्छा ये रहा उसका लेवल भी ना, मैक्सिमम वाला आ गया, थोड़ा सा रहता है वो ब्रेक फ्लूइड। ओके डन हो गया ये भी। बताओ आप क्या बता रहे थे, क्या हुआ है, मतलब किस चीज का था, क्या था? ये जो सफाई कर रहे हैं टर्बो पाइप है, टर्बो का इंटरकूलर पाइप बोलते हैं। अच्छा ये क्लीन करवा रहा है। ओके इसमें कई बार क्या क्लिप लूज हो जाती है ना हल्की सी। अच्छा की वजह से। और ये टर्बो है? ये टर्बो टर्बो की पाइप है और टर्बो है, ये टर्बो है। ओके तो ये इसकी क्लीनिंग हो रही है, मतलब है क्लीनिंग होगा, टाइट होगा ये। और ये इसका कवर है, ये कवर है, डस्ट कवर बोलते हैं इसको, ये फिल्टर कवर। अच्छा सो दिखाना एक बार, लाइट देना भाई, लाइट देना दिखाओ अब एक बार, सही से दिखा दो कौन सा अपने वो क्या हो रहा है। ये वाला पाइप टाइट हुआ है, इंटरकूलर पाइप क्लीन होके स्प्रे से और फिर टाइट हुआ है। सो ये रहता था अपना लास्ट प्रोसेस, ये भी डन हो गया। वो अपना चल रहा है सर्विस, रिमाइंडर वाला टाइम डाल रहा हूँ ना। हाँ जी हाँ जी। सो 1/34 अभी है, 144 पे होनी है नेक्स्ट सर्विस। और ये रहा अपना OBD2 पोर्ट में इसका डिवाइस, इसके थ्रू इसका टाइम अपना सेट होगा। सारा काम अपना पूरा हो चुका है, अब बारी है टेस्ट ड्राइव की। और टेस्ट ड्राइव ना काफ़ी लंबी में ने बोला है कि हम लोगों ने करनी है, क्योंकि एक भैया मेजर प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि मेरी नॉलेज में पहले से था, बट अब वो थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करने लगी है। बट अभी वो काम होगा नहीं क्योंकि इसके लिए गाड़ी फिर से छोड़ना रहेगा, और कल हमने जाना है वापस से टूर पे, गाड़ी को जाना है, मुझे नहीं जाना गाड़ी को जाना है। सो वो वाला रीज़न है। सो नेक्स्ट सर्विस पे हम लोगों ने वो वाला काम भी करना है, तो अगली सर्विस ना भैया काफ़ी मेजर भी होने वाली है, काम के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी। लगभग ईजिली 40,000 रुपये का बिल अपना आना डन है अगली सर्विस पे। सो अब टेस्ट राइड की बारी। हाईवे हम लोग आ चुके हैं, ये है अपना जयपुर आगरा वाला हाईवे टेस्ट राइड के लिए। टेस्ट राइड अपनी फुल पावर ऑन है। सो क्या है भैया? हाँ ये देखो, ये ब्रेकिंग में स्टेरिंग छोड़ के ब्रेक लगाना एक बार ना, हाथ रखे बिना स्टेरिंग पे, हाथ रखे बिना एक बार ब्रेक लगा के देखना, जब भी लगाओ ना तो आपको एक ज्यादा समझ में आएगा। ये आवाज और स्टीयरिंग बबलिंग भी कर रहा है, स्टीयरिंग बबलिंग कर रहा है और ब्रेकिंग भी उतना एक्यूरेट नहीं फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा उसमें, मजा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा इसकी ब्रेकिंग हमें पता है ना, चारों डिस्क के साथ ब्रेक लगते कैसे हैं वो वाला पता नहीं चल रहा है इसमें, स्टीयरिंग बबलिंग आवाज नॉइस आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी है पैडलों पे, पैडलों पे ना इफेक्टेड ब्रेक नहीं है। तो क्या रीजन है इसका ये बताओ आप पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को भी, कि क्या काम अपन को करवाना है नेक्स्ट सर्विस पे, क्योंकि गाड़ी देखो अपनी next. मैंने आपको जो भी बताया ना कि गाड़ी अपन को बेचनी नहीं है, अगर इतनी प्रॉब्लम आती और गाड़ी मुझे बेचनी होती ना तो मैं बेच खड़ा होता, बट बात ये है कि गाड़ी अपने को ये रखनी है हमेशा। ये अपने जो अपने को देख रहे ना लोग, इनका भी बहुत एक इमोशंस ने जुड़ से गए अपनी सेल्टोस से, तो वो वाला भी एक रीज़न है। और अपने को भी गाड़ी बेचनी नहीं है, अपने को उसको करनी है बिल्कुल प्रॉपर, एक जो बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट। सो क्या क्या काम होगा अब अपना अगला सर्विस? ये जो अभी नॉइज है उसकी स्टीयरिंग की, इसमें एक तो वार्म शाफ्ट डलेगी, इसमें ओके वार्म शाफ्ट डलेगी तब ये स्टीयरिंग नॉइज
बंद हो जाएगी। अच्छा, और जो अपने पैडल पे जो बबलिंग आ रहा है हाँ। उसके लिए स्कैमिंग होगी, डिस्क की जो स्कैमिंग होती है अच्छा वो होगी। ओके, उसके बाद ये दोनों काम तो होगा कम्प्लीट हाँ। ठीक है, वो स्कैमिंग होगी तो वो आवाज और स्टीयरिंग मतलब और वाइब्रेशन ये बंद हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी बचा जो स्टीयरिंग में जो एंड में प्ले है हाँ, नीचे हाँ, उसकी रैक डलेगी, स्टीयरिंग रैक। अच्छा, वो डलते ही आपकी गाड़ी एक्यूरेट प्रॉपर हो जाएगी 100% से। बस बस मतलब ये चीज जरूरी है, अगर ये करवाएंगे ना तो गाड़ी इतनी अच्छी हो जाएगी, चलाने में मजा आएगा, मतलब स्टीयरिंग पकड़ने में मजा आएगा, ब्रेक लगाने में मजा आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी, अभी इतना मजा नहीं आ रहा, मैं ब्रेक मारूंगा तो बबलिंग गाड़ी अब देखो डोल रही है इधर से उधर, ले रही है स्टीयरिंग छोड़ा हाँ। अभी धीरे धीरे लेफ्ट जा रही है हाँ, 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 देखो। वो उसके कारण जा रही है, ये इधर को जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सही है, और ये काम करने के बाद अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट करने के बाद आपकी गाड़ी परफेक्टली होगी, बिल्कुल पहले दिन वाली खानी आ जाएगी। बाकी जैसे आपने गाड़ी नई खरीदी है ना, बाकी तीन साल में 134,000 किलोमीटर सही चला दी क्या? सही तो नहीं चलाई पर ज्यादा चल गई। अरे तो सही चला दी, मतलब गाड़ी के फुल पैसे वसूल तो हम कर रहे हैं ना। पैसे वसूल तो हो गए ये हर। तो अगली सर्विस पे, अगली सर्विस मतलब क्या, 134,500-300 अभी है ठीक है हाँ। तो मुश्किल से मुश्किल कोई 20-22 दिन, क्योंकि अभी यार थोड़ा सा ना गाड़ी को काम में ज्यादा आ रही है, नहीं तो मैं छोड़ जाता, कोई इशू नहीं था, क्योंकि 5 दिन से ऑलरेडी गाड़ी यहीं थी, ये रीजन है इस सर्विस पे, ये वाला अपना काम ना करवाने का। तो अगली सर्विस का वेट करना भैया, अगली सर्विस काफी ज्यादा मेजर होने वाली है और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी उसका वो वीडियो अपना बनेगा, और चीज खुलेगी और सामने ऑन द स्पॉट दिखेगी, ऑन द स्पॉट दिखेगी, तो उसको आपको एक नॉलेज भी मिल सकती है कि ये चीज अगर आपकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है ये वाला आपका इस चीज का काम हो। तो पूरा आप लोगों को एक कॉस्टिंग भी, कभी अगर आपको कोई आवाज पता करनी हो हाँ, तो एक मेजर जो खड्डे आते हैं हाँ, हाँ, तो उसमें आप गाड़ी लेके जाइए। अच्छा, उसमें आपको सही से सभी चीजों का, सभी चीजों का आवाज का पता चल जाएगा, कौन कौन सी चीज आवाज कर रही है। सही है, स्टीयरिंग की आवाज करेगी तो स्टीयरिंग की पीछे जो शॉकर की आवाज है वो शॉकर की, आगे की शॉकर की आएगी वो अपने आप पता चल जाएगा, वो गाड़ी जो रेगुलर चलाने वाला है उसे पता चल जाएगा कि क्या आ रही है। और हाँ एक चीज और, अपने जो रियर वाले ब्रेक पैड्स है ना वो भी अगली सर्विस पे अपने चेंज करना रहेगा। तो मतलब मेजरली अगर आप बात करी जाए ना तो ब्रेकिंग से रिलेटेड काम होने वाला है अपना अगला सर्विस पे, और स्टीयरिंग रैक का जो काम रहेगा वो वाला भी। सो टेस्ट राइड हो चुकी है, अब सीधा अपना रहता है बिल वाला प्रोसेस। सो बिल करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस सर्विस का अपना कॉस्टिंग क्या रहा। भैया शेड चेक करो, X6 का चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है और ये है प्रॉपर नाडो ग्रे, और अभी एक नाडो ग्रे सेल्टोस ना वर्कशॉप पे भी खड़ा है, चलते रहो। ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज और नाडो ग्रे X6। टेस्ट राइड कंप्लीट करके अब आ चुके हैं अपन लोग वॉशिंग की लाइन में, 1, 2 और 3 थर्ड नंबर है अपनी सेल्टोस का। तो सेल्टोस हो चुकी है अपनी रेडी सर्विस के बाद, एंड लुक हुई जेयर आ चुका है मुझे लेने, क्योंकि मैं आया था बाइक पे, SP125 पे मैं आया था, तो बाइक लेने के लिए अब आन को बुला लिया है, और ये रही भाई अपनी सर्विस। और हाँ पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ही इज आवर यंगर ब्रदर, छोटे सबसे छोटे हम लोग तीन भाई हैं। स्विफ्ट के एवरेज वाले वीडियो में भी आप लोग इनसे एक और बार मिलोगे, उससे पहले एक और बार मिला दिया, वैसे बहुत बार आप पहले भी मिले हुए हो। सो हम लोग तीन भाई हैं, पहला मैं हूँ, सेकंड और थर्ड, ये रहे थर्ड, एक बार हंस दो थर्ड। सो कार अपनी रेडी हो चुकी है, वॉशिंग भी हो चुकी है, क्लीनिंग भी बढ़िया से हो चुकी है, और इन्होंने मौका मुआयना भी कर लिया सही हुई है, मौका मुआयना कर लिया, क्लीनिंग का जिम्मा ना इनके हाथ रहता है। वायर तो क्लीनिंग का जिम्मा ना, गाड़ी की सर्विस वॉशिंग वगैरह सारी गाड़ियों का जिम्मा इनका रहता है। सो अब देख लेते हैं बिल, तो टोटल तीन चीजें अपनी चेंज हुई हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये है आपका बिल, और ये है टोटल लेबर चार्जेस जो कि है ₹1,845, ऑयल है ₹1,708 का, और आपका एयर फिल्टर है 271 का, और 360 का ज्यादा है अपना ऑयल फिल्टर। सो ये अपना एक बिल का ब्रेकअप है, लेबर ₹1,845, टोटल अमाउंट फैसले की घड़ी है जी अपना 4,938 का टोटल अपना बिल बना है आफ्टर 1,30,000 किलोमीटर, यानी कि 13th या 14th सर्विस की अपनी होगी। सो देख लो भैया स्विफ्ट की सर्विस ना, हमारी स्विफ्ट की सर्विस सेल्टोस से महंगी होती है, अभी लास्ट सर्विस शायद से 5,500 की हुई थी स्विफ्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक की, उससे कम में सेल्टोस डीजल मैनुअल हम लोग ना मेंटेन कर पा रहे हैं। अगली सर्विस के लिए भैया अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, क्योंकि ये सारा तामझाम खुलने के बाद सारा काम अपना होने वाला, और काफ़ी मेजर ये चीज़ अपनी ना रहेगा अगला वीडियो, यानी कि अगला सर्विस वाला वीडियो कल आप लोगों के लिए आने वाला है आपका
रिक्लेम का प्रोसेस जो कि पूरा ना काफ़ी मेहनत लगी है, बार बार आना रहता है यहाँ पे, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है बट फिर भी आना तो पड़ता है ना। तो ये क्लेम वाला प्रोसेस का वीडियो आपके लिए आएगा, कल आ जा चुका है सर्विस का। और बहुत ही जल्दी स्विफ्ट ऑटोमेटिक पेट्रोल अपना जो है ना उसका एवरेस्ट टेस्ट वाला वीडियो भी आने वाला है, जो कि हम लोग ऑलरेडी परसों शूट कर चुके हैं दिल्ली जयपुर एक राउंड ट्रिप में, यानी कि सेम डे जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से बैक टू जयपुर में। सो ये हो जाता है जी अपना पूरा वीडियो कंप्लीट। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज का वीडियो ना थोड़ा एक अच्छा ड्यूरेशन वाला बन चुका होगा, 10 से 15 मिनट का, ज़्यादा लंबा अच्छा है कि ये वीडियो अपना नहीं रहा। वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। तक ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।